अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब अपने अपने घरों में इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, बस जो घर में पड़ा हुआ था तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। इसके लिए मुझे हाफ के जी कीमा चाहिए, और ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो मैंने काट के रख लिए हैं, और ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वैसे तो ये सबको ही आता है बनाना, इजी। अच्छा जी, कीमे में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, और अब मैं आलू काट के रख लूँगी। फिर जब पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम पानी ड्राई करके कीमे को अच्छी तरह से भून के उसमें आलू डाल देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, आलू कीमा तैयार हो गया। तो ये है इसकी फाइनल लुक, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मैंने इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, और ये रेडी है। तो बस इसके साथ मैं चावल बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, तो जो दिल चाहेगा बना लूँगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ही सिंपल और इजी इसकी रेसिपी है, और खाने में भी ये बहुत मज़े का लगता है, डिलीशियस लगता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे, मुझे रखिएगा दुआओं में याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।